press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों साउ फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारे देश के 25 ऐसे मुख्य सिटीज हैं जहां पर जितने भी वीवीआर सिनेमा हॉल्स हैं वहां पर काफ़ी बड़ी स्क्रीनिंग पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है और इसकी एडवांस बुकिंग इस मुताबिक हो रही है कि इस फिल्म के रिलीज़ के अगले 3 दिन तक टिकट मिल पाना नामुमकिन सा हो गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर आर के और आप लोग देख रहे हैं राउंड बॉल न्यूज़। सबसे पहले आपको बता दें कि इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्क्रीनिंग मिली है और साथ ही इसके जो थिएटरल राइट्स हैं वो काफ़ी महंगे बिके हैं, जिसके कुछ लिस्ट में कुछ नाम जो हैं हमारी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि निज़ाम में तकरीबन 40 करोड़ में इसके थिएटरल राइट्स बिके हैं, वहीं केडेड में तकरीबन 23 करोड़ 60 लाख के आसपास इसके थिएटरल राइट्स बिके हैं, वहीं बिजाग में 15 करोड़ के आसपास बिके हैं, गोदावरी में 19 करोड़ के आसपास और कृष्णा में 9 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास इसके थिएटरल राइट्स बिके हैं, वहीं गुंटूर और नेलोरो में तकरीबन 16 करोड़ 80 लाख रुपए में इसके थिएटरल राइट्स बिके हैं। तो इस तरह से टोटल इसका जो होता है 124 करोड़ के आसपास यहाँ इन शहरों में इसकी थिएटरल राइट्स बिके हैं। अगर बात कर ली जाए तो कर्नाटक में तकरीबन 28 करोड़ में बिके हैं, वहीं तमिलनाडु में 20 करोड़ में बिके हैं, वहीं केरला में 6 करोड़ में बिके हैं, वहीं रेस्ट ऑफ इंडिया की बात कर ली जाए तो 70 करोड़ में बिके हैं। अगर बात करें ओवरसीज में तो इंडियन वर्जन में तकरीबन 42 करोड़ बिके हैं। तो WW यानी कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड में इसके जो थिएटरल राइट्स बिके हैं वो तकरीबन 290 करोड़ में बिक चुके हैं, जो कि ये फिल्म जो है पूरे विश्व भर में 290 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है सिर्फ प्री रिलीजिंग यानी कि रिलीज से पहले। अगर हम बात करें सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग और म्यूजिक इंटरनेशनल वर्जन्स और जितने भी इसके रेवेन्यूज हैं जो कि प्री बिजनेस कर चुकी है, कर सकती है तकरीबन 500 करोड़ के आसपास जा सकती है। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो 3 ऐसी मूवीज हैं जो कि बिजनेस की है उन्होंने इंडिया भर में। अगर इंडियन सिनेमा की बात कर ली जाए तो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में 3 ऐसी बड़ी मूवी है जो कि रिलीज से पहले इतना बिजनेस कर चुकी है, जैसे कि 2.0 और बाहुबली 2। यही ये मूवीज जो हैं इससे पहले 3 हाईएस्ट एवर प्री रिलीजेस बिजनेस कर चुकी हैं इंडिया में। अगर दोस्तों बात कर ली जाए तो इस फिल्म को हिट स्टेटस में जाने के लिए तकरीबन 600 करोड़ के आसपास इस आंकड़े को पार करना होगा। और दोस्तों जिस तरह से ये फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है, यानी कि सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग, म्यूजिक, इंटरनेशनल वर्जन्स, जितने भी इसके अदर रेवेन्यूज आते हैं उसके मुताबिक ये फिल्म तकरीबन 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी, यानी कि रिलीज से पहले ही 500 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी और इस तरह से ये हिट होने का वर्डिक्ट हासिल कर लेगी। वहीं दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो इस फिल्म को सबसे बड़ी स्क्रीनिंग जो मिली है पूरे वर्ल्ड में, जी हाँ, अगर थर्ड लार्जेस्ट स्क्रीनिंग जो मिली है वो मिली है सुलुरपेट यानी कि नेलोरे डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर इसे थर्ड लार्जेस्ट स्क्रीनिंग मिली है वर्ल्ड की, सबसे लार्जेस्ट यानी कि साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट स्क्रीनिंग यहीं पर मिली है। तो दोस्तों आपका कहना है इस फिल्म को लेकर, आपने इस फिल्म की एडवांस बुकिंग में आपने टिकटें बुक करवाई या नहीं करवाई है और आप कब करवा रहे हैं और आपका क्या कहना है इस फिल्म को लेकर, रिएक्शन अपने नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आपने विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए।